अभी तक इस सीजन में जो बरसात के मौसम में प्रायः डेंगू का केस बढ़ता है, तो अभी तक पटना में कुल 366 पॉजिटिव केस पाए गए, जिसमें 70 केस कल पाए गए थे। और डेंगू एक सीजनल बीमारी है जो प्रायः मानसून के दिनों में शुरू होता है और सितंबर, अक्टूबर और नवंबर माह तक रहता है इसका प्रकोप, और नवंबर माह में जिस तरीके से धीरे धीरे ठंड बढ़ता है तो इसका प्रकोप भी समाप्त हो जाता है। विगत वर्षों में भी डेंगू का प्रकोप देखा गया था और इस वर्ष भी लगातार वृद्धि हो रही है। जिला स्वास्थ्य समिति के स्तर पर जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा लगातार इसकी समीक्षा की जाती है और राज्य स्तर पर जो अपर मुख्य सचिव सर हैं उनके स्तर से प्रतिदिन VC के माध्यम से शाम को इसकी समीक्षा की जाती है। सभी चिकित्सा महाविद्यालय में जो पटना में अवस्थित हैं और सदर अस्पताल हैं, अनुमंडलीय अस्पताल हैं, वहाँ पर विशेष वार्ड बनाया गया है डेंगू के लिए। डेंगू का जाँच, डेंगू का इलाज मुफ्त है। उप विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में हम लोगों ने सभी निजी अस्पताल, निजी ब्लड बैंक का भी समीक्षा किया था कि किस तरीके के केसेज आ रहे हैं, ब्लड की उपलब्धता की क्या स्थिति है, प्लेटलेट की उपलब्धता की क्या स्थिति है, और हम लोग जो भी केस पॉजिटिव आ रहे हैं उनका लाइन लिस्ट बना के वहाँ पे उनके घर पर, उनके आसपास में क्षेत्र में फॉगिंग कराते हैं टेक्निकल मेलेथियन से। साथ ही साथ जहाँ पानी जमा है, जहाँ लार्वा के बनने की संभावना है या नाली खुले हुए हैं, उन जगहों पर हम लोग टेमीफॉस से लार्विसाइडल स्प्रे भी करवा रहे हैं। और इसमें कहीं कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसमें रोगी जो इलाज है उससे 3 से 5 दिन में ठीक हो जाते हैं। कुछ रोगी ऐसे जिनमें कि शरीर पे चकते या ब्लड ब्लीडिंग की समस्या आती है या ब्लैक स्टूल हो रहा है, उनको अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत पड़ती है और आवश्यकता अनुसार चिकित्सक उनके परामर्श देते हैं और प्लेटलेट देने की ज़रूरत पड़ती है। प्लेटलेट की उपलब्धता सभी ब्लड बैंक में प्रचुर मात्रा में है, प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जाती है। जितने भी ब्लड बैंक हैं निजी और सरकारी, उनको निर्देश दिया गया है सर के स्तर से कि वो प्रतिदिन ई रक्तकोष पे अपनी अवेलेबिलिटी को अपडेट करें। कोई भी व्यक्ति ई रक्तकोष पोर्टल पे जाके प्लेटलेट और ब्लड की उपलब्धता देख सकता है, तो इस तरीके से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। पटना में स्पेशल डेंगू वार्ड बनाया जाता है, हर एक में चिकित्सा महाविद्यालय में एक स्पेशल वार्ड बनाया गया है और सदर अस्पताल में भी 10 बेड का एक स्पेशल वार्ड मच्छरदानी के साथ बनाया गया है और अनुमंडल स्तर पर भी हम लोगों ने 5-5 बेड का बनाया हुआ है। ट्रीटमेंट और मेडिसिन बिल्कुल जो सभी अस्पतालों में चिकित्सक, चिकित्सीय परामर्श, दवा, जाँच मुफ्त उपलब्ध है। जिला पदाधिकारी महोदय के स्तर से सभी स्कूलों और कॉलेजों में भी एडवाइजरी जारी किया गया है। बताया गया है कि जो बच्चे स्कूल आ रहे हैं, छात्र स्कूल आ रहे हैं, वो पूरे बांह के कपड़े पहने, फुल पैंट पहने, और सबसे बड़ी चीज़ है कि सभी लोगों से आगाह किया गया है कि जन भागीदारी हो कि कहीं पर हम पानी नहीं जमने दें जिससे कि डेंगू का मच्छर वहाँ पर पनपे, और पूरे कपड़े पहने, सोने के समय मच्छरदानी का इस्तेमाल करें, क्रीम जो आजकल आता है उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं या फिर जो एंटी मॉस्किटो रेपेलेंट है उसका भी उपयोग कर सकते हैं। इस तरीके से डेंगू से बचा जा सकता है, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है। पटना में कितने जगह हॉटस्पॉट जोन बनाया गया है? हॉटस्पॉट नहीं है, जो मुख्यतः अगर हम लोग इसको डिवाइड करें जो अंचल वाइज जो पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हैं, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा है वो बांकीपुर, पाटलिपुत्र और बांकीपुर अंचल में ही है। उसके अलावा बाकी अंचल्स में भी हैं, लेकिन अधिकतर केसेज पाटलिपुत्र और बांकीपुर अंचल से ही हैं।